और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौलाना शोएब रहमान जी जुड़ गए हैं। शोएब रहमान जी, एक बार फिर से आवाज उठी है वो ये कि लाउड स्पीकर से अजान नहीं होनी चाहिए और संविधान के जिस अनुच्छेद का हवाला दिया गया है जिसमें हर एक नागरिक को स्वस्थ रहने का अधिकार है और उसमें इसको बाधा बताया गया है, क्या कहना है आपका? पहले भी इस तरह की मांग उठती रही है। देखिए, ये जो हमारे कुलपति जी हैं वाइस चांसलर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, सबसे पहली बात ये कि वो उस मोहल्ले में उस जगह पे पिछले 30 सालों से रह रही हैं, तो कभी इनको इस बात का दर्द नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो कुलपति इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर बनी तो उनको ये दर्द पैदा हो गया कि साहब मेरे कान में दर्द हो रही है या तकलीफ हो रही है या किसी तरह की ये बातें, तो इसका मतलब ये समझ में आता है पिछले 30 साल तक जब वो एक अध्यापिका के रूप में या एक प्रोफेसर के रूप में काम कर रही थी, जब तक कि वो किसी पार्टी के एहसान तले नहीं दबी थी उस वक्त तक तो वो सही थी, लेकिन जैसे किसी पार्टी का उपकार हुआ उनके ऊपर। उपकार से आपका क्या मतलब है? मैं चाहूंगी इस पर थोड़ा और प्रकाश डालें और स्पष्ट करें कि उपकार से क्या मतलब है। वो अध्यापिका थी, उनको प्रमोशन मिला, वो वाइस चांसलर बन गई, अब उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, तो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी और उपकार की एंट्री कैसे हुई? नहीं नहीं, वो और भी बहुत से लोग थे जिनको प्रमोशन मिलना चाहिए था, लेकिन उनको तो एडवांस प्रमोशन मिला है। वो इस बात को अच्छी तरीके से जानती हैं कि उनको एडवांस परमिशन मिला है, और अगर एडवांस परमिशन ना मिला होता तो वो आज इतनी बातें ना करती। और ये इस देश में कई मरतबा ऐसा हुआ है और पूरे हिंदुस्तान में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में, जब जो अजान जिस भी मस्जिद में हो रही है वो गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर नहीं हो रही है, गवर्नमेंट के उसके पास परमिशन मौजूद है, जिला अधिकारी महोदय की तरफ से परमिशन है, फिर वहां अजानें हो रही हैं। और किसी कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि कहलाते अजान नहीं होनी चाहिए। नहीं मौलाना साहब, यहाँ सवाल ये नहीं है कि अजान नहीं होनी चाहिए, यहाँ लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर जो है वो उस पर एतराज है कि लाउडस्पीकर के माध्यम से जो अजान होती है, तो जब लाउडस्पीकर का आविष्कार नहीं होता हुआ था तब भी अजानें होती थी, और हाईकोर्ट ने भी पहले इस बात को कहा है, उस चीज को वो अपने लेटर में भी लिख रही है। यानी जिस वक्त ये कोर्ट ने कहा है या जो इस वक्त बातें आई हैं, असल में ये सारी बातें एक धार्मिक भावना की बुनियाद पर वो कर रही हैं। अगर धार्मिक भावना उनके अंदर ना होती तो इस तरह की बातें ना करती। और ये देश परंपराओं का देश है, ये देश जो है सभ्यता का देश है, और यहाँ गंगी जमनी तहजीब पनपती है, यहाँ पे किसी। ठीक है मौलाना साहब, आप अपने विचार आप अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ चेतना जी भी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। चेतना जी, ये जो लेटर लिखा गया है वाइस चांसलर की तरफ से, उसको मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि ये सब राजनीति से प्रेरित है, ये सब किसी के उपकार के तले दबकर ये सब हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बात पर कि लाउड स्पीकर से अजान, इससे क्या परेशान? देखिए आस्था जी, मेरा बहुत स्पष्ट मत है, आप ईश्वर की इबादत जब करते हैं तो वो आपकी आस्था का विषय होता है, आपकी आपको अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बल देने के लिए कोई भी पूजा अर्चना की जाती है, चाहे वो किसी भी संस्कृति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय में हो। दूसरों को सुनाना और उससे एक शोर क्रिएट करना, इसका अर्थ है कि आप दूसरों को इससे डराना चाहते हैं, एक भय उत्पन्न करना चाहते हैं, एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिससे कि जहां सिर्फ आपकी ही धार्मिक भावनाओं की कद्र की जाए। तो अच्छा चेतना जी, इस बात का जवाब शोएब साहब से ले लेते हैं, आप जो कह रही हैं इसका जवाब जो है शोएब साहब से ले लेते हैं। मौलाना साहब बताइए, ये कह रही है कि जबरदस्ती किसी को सुनवाना, इबादत करना या प्रार्थना करना तो भक्त और भगवान, ईश्वर और जो शख्स है उसके बीच की बात है, तो ऐसे में लाउडस्पीकर लगाकर जोर जोर से शोर मचाना, तो क्या इससे कोई माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, जबरदस्ती अपनी धार्मिक भावनाओं को सब पर थोपना, एक भय उत्पन्न करना चाहते हैं? चेतना जी इस प्रकार की बात कर रही हैं। देखिए, पिछले आज से नहीं, पिछले कई सालों से नहीं, जब से देश आजाद हुआ है, जब से अजान हो रही है, एक बात। और दूसरी बात ये कह देना कि हम थोप रहे हैं, ये गलत है। इस देश के अंदर कोई ऐसे धर्म का मानने वाला नहीं है जो लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं करता, हर कोई लाउड स्पीकर का उपयोग कर रहा है। बाद औकात हमारे यहाँ जो अजान होती है मात्र 1.5 मिनट लगता है अजान में, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन 3-3 दिन ऐसा होता है जो कुछ धार्मिक ग्रंथ पढ़ी जाती है और लाउड स्पीकर पे पढ़ी जाती है, और उसको कोई इस बात को क्यों नहीं कहता कि ये गलत है।
और अगर दर्द होनी है तो तमाम मजाहिब के बयान से और तमाम मजाहिब ने, लेकिन शोएब साहब धार्मिक ग्रंथ यदि कोई पढ़ता है या उसका कोई पाठ रखता है तो क्या सुबह सुबह तड़के 4:30-5 बजे के करीब लाउड स्पीकर लगा के इस तरह का करता है, इस बात से आप एतराज जता रहे हैं? मुझे लगता है चेतना जी इस पर प्रकाश डालेंगी। चेतना जी, चेतना जी, हमारे मंदिरों पर, हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, वहाँ लाउड स्पीकर कहीं पर भी आप नहीं पाएंगी। और सरकार ने इस पे प्रतिबंध लगाया तो सभी ने सहज इसको स्वीकार किया और हम लोगों ने अपने मंदिरों से लाउड स्पीकर उतारे हैं। लेकिन ये क्या जिद है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं। ये क्या जिद है कि हम सरकार की बात नहीं मानेंगे, एक तरफ नारा लगाएंगे कि हम संविधान से चलना चाहते हैं, हम संविधान से बद्ध लोग हैं, और दूसरी तरफ नारा लगाते हैं कि हम वही करेंगे जो हमारी धार्मिक भावनाएं कहती हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही देश को एक ऐसी गर्त में धकेलने का प्रयास है जिससे कि देश को उबरना चाहिए और अब हमें आगे बढ़ के कुछ और काम करने चाहिए। देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। लाउड स्पीकर का एक पैरामीटर तय है, किसी को भी प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन उसकी आवाज कितनी होगी, कितनी, तो मतलब दिक्कत उस लाउड स्पीकर से है जिसके कारण ये शोर होता है या तेज आवाजें सुबह सुबह के वक्त सबके कानों में पड़ती हैं। और जिस बात का हवाला वाइस चांसलर दे रही है कि नींद खराब होती है, और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कहा गया है कि सबको स्वस्थ रहने का अधिकार है, सबको स्वास्थ्य का अधिकार देता है अनुच्छेद। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।